जोसेफ शम्फिटर थे, एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एंटरप्रेन्योर को डिस्क्राइब किया कि एंटरप्रेन्योर एक वो बंदा होता है जो रिफॉर्म करता है, रिवोल्यूशनाइज करता है पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करने की पैटर्न है उसको रिफॉर्म करता है, दोबारा से करता है, रिवोल्यूशनाइज करता है। कैसे करता है वो? बाय एक्सप्लॉइटिंग एन इनोवेशन, क्या तो कोई इनोवेशन लाके या कोई टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी लाके प्रोड्यूस करने की उस कमोडिटी को नए वे में, या ओल्ड कमोडिटी को न्यू वे में प्रोड्यूस करने की। ओके, या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का कोई नया सोर्स उसने ढूंढ लिया, नए आउटलेट खोल लिए प्रोडक्शन के, तो वो सब हो जाएगा एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू जोसेफ शम्फिटर। शम्फिटर्स थ्योरी क्या कहती है कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रॉफिट पोटेंशियल देख रहा है, अपॉर्चुनिटी देखता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है। ओके, शम्फिटर्स का व्यू ये था कि एंटरप्रेन्योर वही नहीं होता कि जो बस मतलब हैंडसम प्रॉफिट कमा रहा है, कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहा है, लेकिन वो भी होता है जो अपनी प्राइवेट डायनेस्टी को फाइंड कर रहा है। ओके, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू शम्फिटर एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेट करता है, मनी रेज करता है, इनपुट्स को कलेक्ट करता है, टैलेंट को जुटाता है, लीडरशिप देता है, उस अच्छा लीडर होना चाहिए बंदा, और ऑर्गेनाइजेशन को सेट करता है। अब शम्फिटर्स के द्वारा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इनोवेटर होता है, एंटरप्रेन्योर को उसने इनोवेटर के साथ जोड़ रखा है शम्फिटर ने, तो उसके हिसाब से इनोवेटर जब इनोवेशन जब करेंगे ना तो फॉलोइंग चेंजेस हो सकते हैं। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस पढ़ने वाले हैं जो इनोवेशन के कारण हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, अब नए गुड्स को लाओ मार्केट में जो कंज्यूमर को नहीं पता है मार्केट में है, या पहले से गुड्स जो है ना उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करो, मतलब कि कुछ उसमें नया करो। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अब जैसे उस गुड्स को पहले आप बनाते थे, अब उस गुड्स को अलग तरीके से बनाओ, उसको भी आप इनोवेशन कहोगे। ओपनिंग अ न्यू मार्केट, अब किसी मतलब कि गुड्स या सर्विसेज का न्यू मार्केट खोज लेना, तो वो भी एक इनोवेशन होगा अपने आप में। ठीक है, पहले जिस मार्केट में आप सर्व करते थे उसके हट के कोई और मार्केट ही ढूंढ लिया उसने, तो वो भी एंटरप्रेन्योर होगा इनोवेशन के लिए। फाइंडिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आपने फाइंड कर लिया कोई न्यू है ना, तो वो भी एक तरह से इनोवेशन होता है अकॉर्डिंग टू शम्फिटर। एंड रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आप पहले गुड्स बनाते थे या जिस प्रोसेस से आप पहले सर्व करते थे कस्टमर्स को, अब उस प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज करना है, वो भी हो गया इनोवेशन। शम्फिटर्स ने क्या बोला है कि इनोवेटर और इन्वेंटर को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से इन्वेंटर वो होता है जो नए मेथड्स बनाता है किसी चीज के, नए मटेरियल्स बनाता है, ठीक है, लेकिन इनोवेटर कौन होता है, इनोवेटर वो होता है जो उस मेथड को या उस मटेरियल को यूज करके, न्यू कॉम्बिनेशंस यूज करके उन मेथड्स के एक बेटर गुड्स बनाता है जो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे। तो यही होता है डिफरेंस इन्वेंटर में और इनोवेटर में।